तो दोस्तों जो जियो का मानसून हंगामा ऑफर है वो जल्दी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों इस ऑफर को बढ़ावा देने के लिए जियो ने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी लाए हैं और इस वीडियो में मैं उन अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि ये अपडेट्स के बारे में जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जियो का जो मानसून हंगामा ऑफर है वो क्या है। तो दोस्तों इस मानसून जियो के मानसून हंगामा ऑफर के तहत अगर आपके पास कोई भी पुराना फीचर फोन है तो आप उसे एक्सचेंज करा सकते हैं जियो फोन के बदले में केवल 501 रुपये दे के। तो आप सोच रहे रहेंगे कि एक फीचर फोन को लेना वो भी 501 रुपये दे के, इसमें मतलब आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक 4G स्मार्टफोन है, इसके अंदर फेसबुक भी चलता है। ऊपर से जो ये दो नए अपडेट्स आए हैं जियो फोन के अंदर वो सुन के तो आप खुशी हो जाएंगे दोस्तों। तो जो सबसे पहला अपडेट है वो जो कि जियो फोन के अंदर आने वाला है वो है व्हाट्सएप का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, एक फीचर फोन जिसके अंदर आप अभी व्हाट्सएप भी चला सकते हैं वो भी अगर आप सिर्फ 501 रुपये देते हैं, अगर आपके पास कोई पुराना फीचर फोन है। और तो और जो दूसरा अपडेट है वो है यूट्यूब का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर केवल व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि यूट्यूब का भी सपोर्ट आने वाला है। तो दोस्तों न्यूज़ के जरिए ये पता चल रहा है कि जो 15 अगस्त की डेडलाइन है उसके पहले पहले ये जो काई ओएस है जियो का उसके अंदर व्हाट्सएप और यूट्यूब दोनों एप्लीकेशंस का सपोर्ट आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों एक ऐसा फीचर फोन जो कि 4G भी है, जिसके अंदर फेसबुक भी चलता है, व्हाट्सएप भी चलता है, यूट्यूब भी चलता है, ऐसा फीचर फोन आपको कम ही देखने को मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये अपडेट सुन के काफ़ी खुश हुए रहेंगे और आपने मन बना लिया रहेगा अगर आपके पास कोई फीचर फोन है उसको एक्सचेंज कराने का जियो फोन के बदले में। तो दोस्तों बस आज के लिए यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा और आपका अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और तब तक के लिए देखते रहिए केस टीवी।